अभी तक नॉर्टन और आपको थेमेनिन्स पढ़ा दिया था मैंने, समझ आया हो कि न्यूमेरिकल्स किए थे किसी ने? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की थी कि सिर्फ क्लास अटेंडेंस के लिए करते हो आप लोग? राघव, यस मैम। वो इसकी जो मेंटल प्रॉब्लम बोला था, समझाया था, किया था उसका कि नहीं किया था? मुस्कान, अवंतिका शुक्ला, कोई तो बताओ भाई, दो आंसर होते हैं, या तो की होगी या तो नहीं की होगी, है ना? अवंतिका, यस मैम। की थी कि नहीं की थी प्रॉब्लम्स? मैम सॉल्व करे थे, और मैम सारे नहीं करे थे, कुछ क्वेश्चंस करे थे। मैम समझ आया ना क्या मैटर है उसका? मुस्कान, मुस्कान फोन मतलब क्लास लगा के और कुछ काम करने लग गई लग रहा है ना? गौरव सिंह, यस मैम। किए थे बेटा? किया था कि नहीं किया था? चलिए अब आगे हम बढ़ कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। फाइनेंस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि सिनेरियो आप देख ही रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की भी कर सकते हैं, कर लीजिए, क्योंकि पेपर जो जैसे बनता है ना, और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल ही देते हैं। ये जो आपका जो सब्जेक्ट है ना, नेटवर्क एनालिसिस, ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड ही है। जैसे कि अगर देखा जाए तो आपकी थ्योरम्स है सारी न्यूमेरिकल है, फिर ग्राफ थ्योरी है, उसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है? सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ आपकी मतलब उसके लिए कहती हूँ कि आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, और जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स भेजते हैं पूरी बना बना के आपको हमने वो भेजी है, सारी टाइप करके पूरा सेट करके, कि एक एक चीज आपको क्लियर हो पॉइंट टू पॉइंट। एक बार पढ़िए तो, हमने इतनी मेहनत की है तो हमें भी तो रिवॉर्ड चाहिए होता है, कि आप लोग भी देखो उसको, समझो, है कि नहीं? गलत बोल रही हूँ? अवंतिका, यस मैम। आपने पढ़ी होंगी, अब मैंने आपको इतने नोट्स भेजे हैं, मेरे ख्याल से 5-6 सेट भेज चुकी हूँ मैं, पीडीएफ भेज चुकी हूँ। आप लोगों ने देखा होगा उसमें एक-एक चीज असाइन करके अच्छी तरह से, जिससे कि आपको समझ आए, है ना? हैंड रिटन भी आपको नोट्स भेजे, इसीलिए भेजे बेटा, इसको पढ़िए, ठीक है? हल्के में मत लीजिए, पेपर्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है बेटा? और कहीं डाउट हो तो यू कैन आस्क एनीथिंग एनी टाइम, ओके मैम। ठीक है? श्रेयस, यस मैम। ठीक है? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम, ठीक है? मैक्सिमम पावर थ्योरम किसी को पता है क्या होता है? कोई बताएगा? कोई भी? वैभव मिश्रा, आप ही बता दीजिए। वैभव, पता नहीं है, पता नहीं है मैम। जो 12th में पढ़ी थी वो पता इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ी थी क्या? वैभव, पेपर दिया था ना उसका, थ्योरम है। यस पढ़ी थी मैम, ना? यस फिर क्या मैम। दिखा? फिर क्यों नहीं आती? रिवाइज करना पड़े, रिवाइज करना पड़ेगा। ललित बोलिए, क्या
बोल रहे थे आप? जो ललित 12th में पढ़ी सार। थी, जो 12th में पढ़ी थी वो पता है, वो हाँ वही बताओ, कुछ तो बताओ। P इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4R, मतलब जब वो P कैपिटल आर और स्मॉल आर जब बराबर हो जाते हैं तभी होता है कैपिटल मैक्सिमम आर पावर और ट्रांसफर। स्मॉल आर मतलब क्या होता है, ये भी तो ये बताना कैपिटल आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और वो इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल स्मॉल आर। पड़ेगा। अवंतिका तो ट्राई करोगी, तुम्हें पता है क्या होता है मैम? मैम मैक्सिमम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में मैम जो डीसी नेटवर्क है वो रेजिस्टिव लोड के इक्वल जिससे कनेक्ट करते हैं, तो जो रेजिस्ट लोड रेजिस्टेंस है वो थेवनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। मैम ठीक है, और इससे तो हम पावर निकाल रहे हैं ना, तो रजिस्टर से काम चलेगा क्या? हमें वोल्टेज भी तो निकालना पड़ेगा। नहीं निकालना पड़ेगा अमन, अमन यस मैम, बताइए, आप बताइए। अतुल पांडे, अतुल पांडे आवाज आ रही है? देखिए मेरी क्लास में ना सब एक्टिव रहा करिए, मैं किसी को भी कभी भी बोल सकती हूँ, बुला सकती हूँ, क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, तो प्लीज अटेंटिव रहा करिए क्लास में। ये नहीं कि क्लास स्टार्ट कर दी और आप इधर उधर इधर उधर कुछ भी कर रहे हैं। बताइए मानसी मौर्या, मानसी मौर्या, मानसी मानसी प्रियांश आप बताइए, प्रियांश त्रिपाठी, गौरव सिंह, क्लास में अटेंटिव रहा करिए, हम आपको 10 बार बोल चुके हैं। क्लास चल रही है, आप लोग क्लास को इजीली ले रहे हैं, अभी अभी आपको समझ नहीं आ रहा है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही पेपर क्लियर। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ मुस्कान बताओ क्या कह रहे हो बेटा, आवाज आपकी वॉइस नहीं क्लियर आ रही। आ रही है? यस मैम। ठीक है हम स्टार्ट करते हैं, आज हम सुपर पावर थ्योरम पढ़ेंगे। सुपर पावर थ्योरम होती क्या है? पीपीटी दिख रही है? पीपीटी दिख रही है? प्रेजेंटेशन दिख रहा है आप लोगों यस मैम। को? यस मैम। ठीक है बेटा, तो ये ना हैंड रिटन नोट है, ठीक है? सुपर पावर थ्योरम, सुपर पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है? ये होती क्या है? सुपर पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है उसको पढ़ेंगे, और इस प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सुपर पावर ट्रांसफर थ्योरम हम निकालते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये क्या कहता है? इफ स्टेट दैट द सुपर पावर डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड, ये बता रहे हैं कि कोई भी सुपर पावर जो कि सोर्स से लोड को डिलीवर की जाती है,
उसका सोर्स रेजिस्टेंस, जैसे कि उसने बताया था स्मॉल आर और कैपिटल आर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, सोर्स रेजिस्टर जो है उसका इक्वल हो जाए किसके, लोड रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट कहीं पे होती है या इसको हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है थेमिस थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। थेमिस थ्योरम में क्या था, हम आई की वैल्यू निकालते थे। आई की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, जो हमारा लोड वोल्टेज था अपॉन जो हमारा सोर्स रेजिस्टेंस होता था प्लस जो लोड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमारा लगा होता था उसको हम लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको इसके मतलब टॉपिक से ही समझ आ रहा होगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सुपर पावर ट्रांसफर थ्योरम, मतलब सुपर पावर मतलब पावर निकालना। आपको ये पता होगा कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई या P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले जिसके होते हैं पावर के होते हैं, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सिंपली यहाँ पे जो हमने आई ऊपर आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर एस प्लस आर एल लिखा है, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। जब हम आई स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, वी अपॉन आर एस प्लस आर एल, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, क्योंकि आई का स्क्वायर है, वी स्क्वायर आर एल अपॉन क्या हो जाएगा आपका, आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब इसको प्रूव करके इन्होंने बताया है किस तरीके से, अगर हम किसी डेरिवेटिव को इससे क्या कर रहे हैं, इसका इसका हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे पावर को, देखिए यहाँ पे लिखा है टू फाइंड द मैक्सिमम पावर। अब ये हम मैक्सिमम पावर कैसे निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं जब अगर हम डिफरेंशिएट कर दें पावर इज इक्वल टू जीरो, तो मैक्सिमम पावर हमारी आ जाएगी, मतलब जो हमारी स्टेटमेंट है वो प्रूव हो जाएगी। कैसे, dP अपॉन dRL। अब हमारा जो P है, P की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, P की वैल्यू हमने ऊपर क्या निकाली है, बी स्क्वायर डॉट आई आर एल अपॉन आर स्क्वायर सॉरी आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किससे, किसी इक्वेशन, ये हमारा क्या था, ये हमारा पावर है, तो इसको हम इससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, डी अपॉन डी आर एल से। जब हम डी अपॉन डी आर एल, देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है वी स्क्वायर आर एल अपॉन आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर ब्रैकेट में आर एल इंटू टू ब्रैकेट में आर एस प्लस आर एल होल स्क्वायर माइनस आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर टू अपॉन आर एस प्लस आर एल की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आर एस प्लस आर एल की पावर 4 है, जब इस साइड जाएगी तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और वी स्क्वायर भी इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास में बचेगा क्या, हमारे पास में ये जो बीच वाला टर्म है सिर्फ यही बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करके हमारे पास में क्या आया, टू आर एस डॉट आर एल प्लस टू आर एल का स्क्वायर माइनस आर एस का स्क्वायर माइनस टू आर एस डॉट आर एल माइनस आर एल का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो स्क्वायर वाला जो मतलब ज्यादा वाला टर्म है सिर्फ उसी को कंसीडर कर रहे हैं, और सबको हम क्या कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये देखिए टू आर एस आर एल, टू आर एस एक पॉजिटिव का है एक नेगेटिव का है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक टू आर एल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है माइनस आर एल स्क्वायर है, तो
तो जब 2 RL² - RL² से माइनस होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, RL² तो RL² - RS² हमारे पास में रिमेनिंग बचेगा। अब ये जो टर्म है ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, RL = RS। इट मींस हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया, सुपर यहाँ पे हमने मैक्सिमम पावर प्रूव कर दिया, जो कि स्टेटमेंट कह रहा था, क्या कह रहा था, इट स्टेट दैट द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड व्हेन द सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है कि सोर्स रेजिस्टर जो था वो हमारे लोड रेजिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है मुस्कान, अवंतिका, वैभव? यस मैम। ठीक है, क्लियर है ना? यस मैम। डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई स्टेटमेंट नहीं समझ आया हो, सुपर पावर ट्रांसफर थ्योरम जो भी है उसमें ये चीज होती है, जो उसका सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पे प्रूफ करके आपको दिखाई है डिफरेंशिएट से। ठीक है, और ये यहाँ पे प्रूफ कर दिया हमने, जिसमें कि हमने प्रूफ किया है कि जो आर एल था वो हमारा आर एस के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब बेटा देखिए, अब हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टेप्स बता रहे हैं कि किस तरीके से हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को किसी क्वेश्चन में फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, जैसे कि आपको, आप सबको हमने बताया था कि थेविनिन्स थ्योरम में हम पहले क्या करते थे, उसका वोल्टेज और रेजिस्टेंस निकालते थे, निकालते थे तभी तो हम आई की वैल्यू निकालते थे, है ना, करते थे कि नहीं? Yes. ठीक है, तो इसमें भी हम पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कैलकुलेट थेविनिन्स वोल्टेज, पहले हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, थेविनिन्स वोल्टेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो थेविनिन्स वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, जो उसका लोड रेजिस्टेंस होता है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा सर्किट है, तो यहाँ पे जो ये लोड रेजिस्टेंस है इसको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। ठीक है, इसको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। और हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे KVL आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो मेथड लगा के हम क्या करते हैं, सर्किट को सॉल्व करते हैं, जिससे कि हम VTH निकालते हैं। ठीक है, अब दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप हम फाइंड आउट करते हैं R थेविनिन को। ठीक है, RTH को, RTH में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे वोल्टेज सोर्स होते हैं उनको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा है, इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, तो क्या बचेगा, रेजिस्टेंस वाले ही टर्म बचेंगे, है ना। ठीक है, तो हम पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं जो रेजिस्ट, जो हमारा वोल्टेज लगा हुआ है उसको शॉर्ट सर्किट कर दे रहे हैं, और जो करंट लगा हुआ है उसको क्या कर दे रहे हैं, ओपन, जहां पे भी करंट होगा उसको क्या कर दे रहे हैं, ओपन कर दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, सीरीज और पैरेलल रिडक्शन टेक्निक से हम क्या कर रहे हैं, आर टी एच को फाइंड कर रहे हैं। मान लीजिए ये एक इक्वेशन है, मतलब ये एक छोटा सा सर्किट है, तो हमने क्या किया, पहले तो हमने इसको, इसको हमने हटा दिया, ठीक है, आर एल को हमने हटा दिया, और इसको हमने क्या किया, इसको हमने शॉर्ट कर दिया, तो हमारे पास में क्या बचेगा, सिर्फ हमें, हमारे पास में बचेगा आर एस, है ना। तो आर एस जितना होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, थेविनिन्स रेजिस्टर को फाइंड कर रहे हैं। अब हमारे पास में दो चीज आ गई, एक हमारे पास में हो गया वोल्टेज थेविनिन्स, और दूसरा हमारा आ गया रेजिस्टेंस थेविनिन्स, मतलब वी टी एच हमने फाइंड आउट कर लिया बाय अप्लाइंग द केवीएल और नोडल एनालिसिस, और हमने आर टी एच अप्लाई कर दिया, क्या किया, रिप्लेस द वोल्टेज टू द शॉर्ट सर्किट एंड करंट करंट बाय द ओपन सर्किट एंड यूजिंग द पैरेलल सीरीज रिडक्शन टेक्निक फॉर कैलकुलेटिंग द आर टी एच। ठीक है, तो हमारे पास में ये दोनों चीजें आ गई। अब जो मेन हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है,
हमें फाइंड आउट करना है पावर मैक्सिमम। ठीक है, पावर मैक्सिमम हम निकालने के लिए यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले हम यहाँ पे निकालेंगे इसका करंट। ठीक है, तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, करंट जैसे हम थेवेनिन में लगाते थे VTH अपॉन RTH प्लस RL। ठीक है, अब हमें एक चीज ये पता है कि जो उसका RTH होगा, क्योंकि हमें पता है जो हमारी मैक्सिमम पावर थ्योरम है वो क्या कहती है, जो उसका लोड रेजिस्टेंस होगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइए जो उसका लोड रेजिस्टेंस है वही थेवेनिन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर टी एच प्लस आर टी एच, मतलब 2 RTH हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, जो इसका करंट आया वो हमारा क्या आ गया बेटा, वी थेवेनिन अपॉन 2 RTH। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, करंट यहाँ तक क्लियर है, करंट आ गया। ठीक है, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, हमें पता है जो हमारा मैक्सिमम पावर थ्योरम में जो मैक्सिमम पावर होता है उसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर एल। आई स्क्वायर आर एल में हम आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, आई स्क्वायर में हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, वी स्क्वायर टी एच, देखिए ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी आई एल की, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको पुट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर वी टी एच का स्क्वायर अपॉन 4 TH, क्योंकि यहाँ पे 2 TH पहले से ही था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये स्क्वायर में है ना, आई स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 TH का स्क्वायर और इंटू आर एल हो जाएगा। ठीक है, अब आर एल, आर एल क्या है, आर एल हमारा क्या है, आर एल इज इक्वल टू द थेवेनिन रेजिस्टर, तो ये क्या हो जाएगा, ये थेवेनिन रेजिस्टर, तो एक थेवेनिन रेजिस्टर एक थेवेनिन रेजिस्टर से कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा पावर मैक्सिमम का जो मतलब फॉर्मूला आएगा वो हमारा आ जाएगा वी स्क्वायर थेवेनिन अपॉन 4 RThevenin। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि ये निकल आया है, तो ये हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है क्लास? यस मैम। ठीक है अवंतिका, मुस्कान बेटा क्लियर है, कोई डाउट? यस मैम। वैभव मिश्रा? यस मैम। ठीक, आप देखिए बेटा ये एक प्रॉब्लम है, इसको आप अपने आप से सॉल्व करने, पहले थेवेनिन्स थ्योरम से आपने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसमें हमें क्या डिटरमाइन करना, जैसे कि हमने ये स्टेप्स बताए थे अभी आपको, ये स्टेप्स बताए थे आपको, यही स्टेप अप्लाई करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक बार ट्राई करिए, नहीं आएगा तो हम आपको समझाएंगे। ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड आर एल, है ना, यहाँ पे लिखा है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब इसमें हमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर निकालनी है, ये एक सर्किट दे रखा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अवंतिका, ललित, वैभव, मुस्कान बेटा ठीक है, एक बार आप कोशिश करिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। पहले इसमें क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है, फिर इसका वोल्टेज निकालना है थेवेनिन वोल्टेज, फिर आपको पावर का फॉर्मूला पता ही है, आप उसमें पुट कर दोगे। ठीक है, एक बार कोशिश करिए फिर मैं बता दूंगा।
क्वेश्चन समझ आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन समझ आ रहा है? अवंतिका यस मैम। करिए करिए सॉल्व करिए। हुआ किसी से सॉल्व? सॉल्व हुआ किसी से? प्रियांश 67 आ रहा है मैम, कुछ 0.33। ना ज्यादा थोड़ी ना आएगा। अवंतिका बेटा हुआ आपसे? शिवानी शिवानी यस मैम। बेटा इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो आप? समझ आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं शिवानी? क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करिए। यस मैम। हुआ किसी से? चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें ये प्रॉब्लम दे रखी है। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को निकालेंगे। ठीक है, थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए जैसे कि मैंने स्टेप्स बताए थे, हम क्या कर रहे हैं, पहले रिमूव कर देंगे किसको, लोड रेजिस्टेंस को। फिर हम क्या कर रहे हैं, जो उसका वोल्टेज सोर्स था उसको हम शॉर्ट सर्किट कर दे रहे हैं, और करंट सोर्स को क्या कर रहे हैं, ओपन सर्किट कर दे रहे हैं। देखिए
यहाँ पे हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था इसको हमने शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या था हमारा करंट सोर्स था इसको हमने क्या किया ओपन कर दिया, और जो लोड रेजिस्टेंस था उसको क्या कर दिया हटा दिया। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये सर्किट हमें मिल जाता है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया किसको, वोल्टेज सोर्स को, यहाँ पे ओपन सर्किट कर दिया किसको, करंट सोर्स को। अब हमारे पास में जो टर्म्स बचे हैं वो क्या बचे हैं, रेजिस्टेंस के, ठीक है। इससे हम क्या निकाल रहे हैं, हम आर टी एच जिसको कि हम थंबनेल्स रेजिस्टर कहते हैं वो हम निकाल लेते हैं। अब देखिए कैसे, पहले हम इजीली एक मैच लेते हैं, ये वाला मैच ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं 10 जो है वो 10 के सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है, 10 सॉरी पैरेलल में है, ठीक है। तो अभी ये क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ ये नोडल पॉइंट है, एक पॉइंट है जहाँ से करंट क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो अब हम पहले इसको रिजोल्व कर लेते हैं इतने वाले मैच को, पहले वाले मैच को, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 कर देंगे, 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10। ये पैरेलल सॉल्व करने का तरीका होता है, जब 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 करेंगे तो क्या आ जाता है, 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, ठीक है। इसको रिजोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ गया, 5 ओम। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो 10 ओम लिया था इसकी जगह पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 5 ओम लिख दिया। यहाँ देखिए 5 ओम लिख दिया। अब ये देखिए 5 ओम और 2 ओम ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है वो सीरीज में है, तो इसको हम 7 ओम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने 7 ओम लिख दिया। अब ये देखिए 7 ओम और जो 3 ओम है, ठीक है, 7 ओम और 3 ओम जो है ये जो दोनों, ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों हमारे पैरेलल में है। तो पहले हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसका आंसर आता है 2.1, ठीक है। यहाँ सॉरी वो पिक्चर जब क्लिक की थी ना तो मेरी कुंडली आ गई थी, ठीक है। तो 2.1 ओम ये हमने रिजॉल्व कर लिया, तो इसका जो आंसर आया हमारा क्या आया, 2.1 ओम, ठीक है, 2.1 ओम हमारा आ गया। अब हम रिजोल्व कर रहे हैं इसको, वोल्टेज को निकाल ले रहे हैं। अभी हमारा रेजिस्टेंस आ गया, अब हम वोल्टेज को फाइंड कर रहे हैं। अब वोल्टेज को कैसे फाइंड करेंगे, वोल्टेज में हमने क्या बताया था आपको, यहाँ देखिए रिप्लेस ऑल वोल्टेज बाय द सॉरी यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं किसको, लोड रेजिस्टेंस को गिवन सर्किट में, और यहाँ पे नोडल एनालिसिस या केवीएल कुछ भी आप अपने आपको जो इजी लग रहा है आप वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने नोडल एनालिसिस लगाई है, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस में दो पॉइंट हमने मान लिए, एक पॉइंट हमने यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2, ठीक है, V1 और V2 पॉइंट हमने एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो पहला नोड वन में हम जब हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पहला एक एक्सप्रेशन V1 माइनस 5 माइनस 0 अपॉन 10 प्लस V1 माइनस 0 अपॉन 10 प्लस V1 माइनस V2, ये देखिए V1 माइनस V2 अपॉन 2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, 7V1 माइनस 5V2 इज इक्वल टू 15। ये हमारी क्या आ गई, नोड वन की इक्वेशन आ गई। अब ये देखिए ये नोड टू है, नोड टू को हम लिख लेते हैं V2 माइनस V1, देखिए V2 माइनस V1 इसके बीच में रेजिस्टेंस कौन सा है, 2 ओम का है, तो 2 ओम यहाँ पे लिख दिया। तो V2 माइनस V1 अपॉन 2 प्लस V2 माइनस 0, ये देखिए रेफरेंस वोल्टेज जो हम ले रहे हैं वो 0 ही है ना, तो V2 माइनस 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसको भी हम क्या कर देंगे, सॉल्व करने की, ये देखिए हमारे पास में सॉल्व करके ये इक्वेशन आई, माइनस 3V1 प्लस 5V2 इज इक्वल टू 0। इससे हम क्या कर रहे हैं, V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर दे रहे हैं। दो इक्वेशन आ गई ना, इक्वेशन वन क्या थी हमारी, 7V1 माइनस 5V2 इज इक्वल टू 15। दूसरी इक्वेशन हमारी आई है माइनस 3V1 प्लस 5V2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में V1 और V2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे जो हमारी V2 की वैल्यू होगी वही हमारी क्या होती है, हमें पता है VTH होती है, VTH की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 2.25 वोल्ट। रेजिस्टेंस जो आपका था उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 7.1, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसको हमने मैक्सिमम पावर थ्योरम वाले
फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया है। जब हम मैक्सिमम पावर वाले थ्योरम के फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो VTH की वैल्यू हमारी क्या है 2.225, यहाँ पे हम लिख देंगे इसका होल ब्रैकेट में हम स्क्वायर कर देंगे अपॉन 4 × 7.1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास में आंसर क्या आएगा 0.1784 वाट। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ अवंतिका? यस मैम। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम कोई भी पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम, कोई भी पावर ट्रांसफर थ्योरम के ये क्वेश्चंस आते हैं या प्रॉब्लम्स आती है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए अपनी। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो अब आपकी थ्योरम्स भी हो गई, बेसिक जो जितनी भी आपकी डेफिनेशंस थी वो सारी हमने कवर कर दी। अब हम जो करेंगे वो ग्राफ थ्योरी करेंगे। ग्राफ थ्योरी होता क्या है, उसमें ट्री क्या होती है, ट्विंग्स क्या होती है, लिंक्स क्या होती है, कट ट्री क्या होती है, कट सेट क्या होते हैं, ठीक है, और जो मैट्रिक फॉर्म में हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक को किस तरीके से हम मतलब रिजॉल्व करते हैं, कैसे लूप को सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें जो भी है वो हम ग्राफ थ्योरी में पढ़ेंगे। ग्राफ थ्योरी आप लोगों ने मेरे ख्याल से नहीं पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी ना किसी ने? पढ़ी है ग्राफ थ्योरी? पढ़ी है किसी ने? नो मैम, नो मैम। हाँ, तो ग्राफ थ्योरी किस तरीके से हम सर्किट एनालिसिस में या नेटवर्क एनालिसिस में इसको अप्लाई करते हैं वो चीज हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो फिर भी आपने पढ़ा हुआ था। अब जो बेसिक जो आपका अब जो पार्ट आ रहा है, ये जो पार्ट है वो आपका मेन पार्ट है नेटवर्क एनालिसिस में। ठीक है, अभिनव सिंह, अभिनव सिंह, अभिनव सिंह, अमन यादव, यस मैम, अतुल पांडे, यस मैम, अवंतिका शुक्ला, यस मैम, गौरव सिंह, गौरव सिंह, यस मैम। अभी कोई वो लॉग आउट नहीं होगा, लेफ्ट मत होना अभी। मैम ललित मोहन, मैम ललित मोहन, अभी रुक जाइए ना। करण सिंह, यस मैम, ललित मोहन, प्रेजेंट मैम, मंकेश, यस मैम, मानसी मौर्य, प्रेजेंट मैम, मुस्कान, यस मैम, रश्मि पाल, यस मैम, रूपम, यस मैम, प्रियांश, प्रियांश त्रिपाठी, शिवानी त्रिपाठी, यस मैम, शेखर मणि त्रिपाठी, वैभव मिश्रा, वैभव मिश्रा, यस मैम,